क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम, ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नाजरीन, आजकल का हमारा माशरा बहुत ही ख़राब हो गया है, इसलिए कि थोड़े ही दिन में मियां बीवी में लड़ाई झगड़े छोड़ देना, फिर मीडिया में आ जाना, कभी बीवी आकर कुछ कहना तो कभी शौहर आकर कुछ कहना। अब ऐसे लोगों की वजह से इस्लाम का नाम खराब होता जा रहा है। एक और खातून हुई शौहर के जुल्म का शिकार। तफसीलात के मुताबिक आसिफ नगर जेबाबाग के इलाके में रहने वाले वसीम अहमद ने 9 साल कबल सकीना नामी एक लड़की से शादी की थी और सकीनों को बच्चे नहीं हुए। अब हमने तो ये तफसीलात बताई, इसके बाद की हकीकत इन्हीं की जुबानी। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। और उनके बाबा बोल रहे DCP, PCP, SCP और उनके बाबा के जेब में रहते कहते हमेशा, और उनके बाबा और उन्होंने आके मेरे से बार बार लड़ रहे, वो आदमी तू तलाक ले ले, तलाक ले ले, तलाक ले ले, ज़बरदस्ती मेरे को टॉर्चरिंग कर रहे। अगर मैं पुलिस यहाँ वहाँ गई करी, किसको भी मीडिया को बुलाई, उन्होंने मेरा मर्डर कर देते बोल रहे, खून कर देते कहते उन्होंने मेरा। मैं कोर्ट को गई तो भी, मेरा नाम सकीना है, मेरी शादी होके 9 साल हो रहा और मैं मेरे हस्बैंड जाके 4-5 साल बाहर काम करे, मेरी 1500 सैलरी थी, दोनों मियाँ बीवी करे, उन्होंने ड्राइवर पे, मैं पार्लर के जॉब पे करी दोनों। और हमारे हस्बैंड मेरे सूसरे बहू से हाथ ऐसे बातें करते कि तुम जाके शेखों का नहीं सो के कमा के। मेरी शादी होके 9 साल हो रहा और मेरे को बच्चे नहीं है। मेरे हस्बैंड मेरे साथ शादी हो से 6 महीने अच्छे थे और हम उन्होंने मेरे को बाहर लेके गए, उन्होंने खुद बाहर लेके गए, उन्होंने मेरे पास से पैसे लेके पासपोर्ट बनाए। सऊदी गए थे हम लोग दोनों, एक ही कफिल के पास काम करे, उनके अकाउंट में पैसे आते थे। मेरी 1500 सैलरी थी, उनकी भी 1500। मैं पार्लर के जॉब पे गई थी, उन्होंने ड्राइवर के जॉब पे थे। हम लोग 9 साल थे वहाँ पर, वो 5 साल थे, हम लोग वहाँ पर 5 साल जॉब करे। फिर हम लोग दोनों वहाँ उन्होंने लड़ रहे थे कफिल से कि बार बार को लड़ रहे, मेरे को एक दिन की छुट्टी नहीं दे रही थी उन्हें, तो मैं भी लड़ी उनसे, एक दिन छुट्टी नहीं मिल रही, बोलता उन्हें जाके लड़ लिए, एक दिन की छुट्टी नहीं दे रहे वो, बोलता कफिल बोला पागल है ना तुम्हारे मियाँ, चले जाओ बोल के खुरुश लगा के भेजा दी हम दोनों को। और उनके पहले शादी से पहले से एक बच्ची के साथ अफेयर था, उनका नाम आफरीन फातिमा है, उनकी भी शादी हो गई, उनको 3 बच्चे है। उनके शौहर को छोड़ के आके मेरे शौहर से, उन लोगों की मेरी शादी से पहले 10 साल से अफेयर चल रहा है उन लोगों का, फिर उन्होंने छोड़ के आके मेरे शौहर को शादी कर ली और उनको अब एक बच्ची हो गई 3-4 महीने पहले। उन्होंने बोल रहे कि मैं उनकी बच्ची से जल रही हूँ, उनके घर पे औरतों को भेजा रही हूँ, ये भेजा रही हूँ, और मेरे सूसरे भाव को गलत गलत बातें करते कि तुम शेखों का ने सो क्या है, वो सो क्या है, ये सो क्या है। और मैं शेखों का नहीं सो के भी आई तो पैसे उनका बेटा इस लिया ना, मैं थोड़ी खा ली जो मेरे पर इतना जुल्म कर रहे लोग। और मेरे और हस्बैंड कभी भी आते ना, इतनी गलती रही तो भी मेरी इतना बड़ा चढ़ा के अम्मा बाबा को बुला के लड़के मारते मेरे को, मैं क्या गलत। और उनके बाबा बहू को बोलते कहाँ सो के आई, यहाँ सो के आई, 10 कने सो के आई, ऐसे बातें करते। सूसरे कोई बहू को बोलते छिनाल रान और नाक सांप है, वो है, मेरे को बच्चे नहीं होते बोल के सूसरे सब बोल रहे, मेरे को बच्चे नहीं रहे, मैं बांझू बोल, हाँ भाई अल्लाह ताला मेरे को औलाद नहीं दिया, मैं बांझू बस। ससुराल कहाँ का? मेरा ससुराल आसिफ नगर का है। मेरे हस्बैंड का नाम वसीम अहमद। हाँ मैं कंप्लेन करी, मैं उन लोग हम बोले कल बुला के बात करते बोले उन लोग, हम लोग यहाँ कंट्रोल रूम में करे। उन्हें आके मेरे मर्द मेरे को क्या बोल रहे, वो बीवी से सुकून नहीं है, तुम्हारे से सुकून नहीं है, मेरे को 1000 रुपये दियो तुम, मैं मौजम जा मार्केट करने औरता मिलते जाके मेरे को 3 घंटों का सुकून लेके आता हूँ मैं। कोई भी मर्द बीवी के साथ ऐसे बातें करता, और इनके पास ऐसी आदत है जब आते जब ना, मेरे को पैसे दियो मेरे को एक रात कौन से, तभी औरतों को जाके सुकून लेना है। कोई मर्द बीवी के साथ बात करता क्या? और बीवी रहते पर भी दूसरे औरतों के साथ बातें करते, और इनके कितने गर्लफ्रेंड ना कितने अफेयर। और मैं फ़ोन में से वो एक बार सीमा निकाली तो वो सीमों के वास्ते भी कितना की लड़े, और इन्होंने ऐसे कामा करते बोल के इनके फ़ोन में सीमा निकाली, मैं GPS लगाई इनके फ़ोन में, ये आदमी ऐसा है बोल के मैं इनके गाड़ी पे GPS लगाई थी, क्योंकि इन्हों इधर औरतों का नहीं उधर औरतों का नहीं, इनका काम है जाना। और मेरे से
नहीं, मैं उनके फ़ोन में के सीमा निकाली, कहीं को बोलता हूँ उनको आदत है औरतों से बात करने का, तो छक्के में फ़ोन में के सीमा निकाली तो वो सीमाओं को भी निकाल के अम्मा बाबा को बुला के मेरे को गालियाँ दे रहे हो, ये मेरे फ़ोन में के सीमा निकाल रही, शकां करी, बोले तो इनो ऐसे है बोल के बीवी शक कर रही, इतना नहीं सुधरे बाहर जाके भी उमरा करके पूरा करके दूसरे औरत के साथ बीवी के सामने सोए नो, मेरे सामने सोए, मैं गवाह हूँ इस बात की, जिंदा मेरे सामने एक औरत को ला के सोए मेरा मर्द, पूछ लो। मैं आज तक उनके साथ कई को करी भाई, मेरा अच्छा वो था भाई, मेरे को ये आदमी के साथ जिंदगी गुजारना था, मैं बस हो गई आदमी से, आदमी कभी नहीं सुधर सकता, और मैं ये आदमी मेरे सामने मेरे घर में मेरे पलंग पे ला के सोया ये आदमी औरत को, मैं क्या बोलूँ, क्या बोले तो तुम बच्चे नहीं पैदा करे इसलिए मेरे को ख्वाहिश हो रही बोल के ऐसे बातें करे बीवी के साथ, कोई ऐसा बोलता, और वो सुल्ताना बम्बई की उसके साथ भी 2 साल तक इन्हों बातें कर लेते, दो साल के वहाँ से बाहर गए थे, उन्होंने इग्नोर करे कि उनको दूसरी जगह बेटी हो गई उनसे, इसलिए मेरे को इग्नोर कर रहे हो ना, मतलब अब उनको मेरी ज़रूरत, मेरे को पैसों की ज़रूरत थी भाई उनको, उनका जब तक खर्जा था, जब तक उनकी गर्लफ्रेंड नहीं आई थी, उन्होंने मेरे से शादी, और वो औरत टॉर्चर कर रही उन्होंने उनको, छोड़ दो सकीना को बोल के, उनका खर्जा 12 लाख था, तो लगा मेरे को काम करा लिए, मेरे से पूरा सोना बेच दिए मेरी शादी का, हाँ मैं फेड़ी वो खर्जा, नहीं मेरे को इंसाफ होना, मेरे को ये आदमी के साथ मैं भी नहीं रहना चाह रही हूँ, मेरा जितना पैसा था और इन्हों मेरी ज़िंदगी भर मेरा खर्चा देना, मेरा पूरा उठाना, मैं दूसरी शादी तीसरी शादी अब नहीं करने वाली हूँ, मेरे को इन्हों पूरा खर्चा देना, किराया देना सब देना, और मेरे को हुकूमत से ये चाहिए कि इन्हों मेरा कुछ पूरा ना मेरा खर्चा वर्चा सब उठाना मेरा, और मेरी जितनी तबीयत इनके तरफ से, मेरा बीपी डाउन हो गया, मेरे को लो बीपी हो गया इन लोगों के तरफ से, उनके अम्मा के बाबा के सामने उन्होंने बोल रहे मैं अम्मा बाबा के सामने 3 तलाक दे दिया, उसके साथ नहीं रहता हूँ बोल रहे, और मैं भी उनके साथ नहीं रहना, मेरे को जितना मेरे पैसे थे मेरा खर्चा था, और उन्होंने मेरे को शादी करे जब से वो मेरे हस्बैंड लेते थे, नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं रहता था, उन्होंने ले लेते थे सैलरी उनके अकाउंट में जाती थी हम लोग की, उन्होंने दूसरे उनका पहले का अफेयर चल रहा था भाई 10 साल से, उनकी गर्लफ्रेंड थी आफरीन फातिमा, उन्होंने बाहर चले गए बोल के मेरे से उन्होंने शादी कर लिए, फिर उन्होंने जैसे वो क्या करे उनका उनका बाहर जाके बाद फिर भी अफेयर चल रहा था उन दोनों का, उन्होंने उनके मर्द को छोड़ दे के आए, 3 बच्चे हैं उनको ऑलरेडी दूसरे मर्द से, फिर छोड़ दे के आके मेरे मर्द को शादी, और उन्होंने टॉर्चरना दे रहे कि उनको इनको सकीना को तुम तलाक दे दो, मेरे को बच्ची हो गई सकीना को तलाक दे दो बोल दो, उन्होंने आके मेरे से बार बार लड़ रहे वो आदमी, तू तलाक ले ले तलाक ले ले तलाक ले ले, ज़बरदस्ती मेरे को टॉर्चरान कर रहे, अगर मैं पुलिस यहाँ वहाँ गई करी किसको भी मीडिया को बुलाई, उन्होंने मेरा मर्डर कर देते बोल रहे, खून कर देते कहते उन्होंने मेरा, मैं कोर्ट को गई तो भी, और उनके बाबा बोल रहे DCP PCP SCP, और उनके बाबा के जेब में रहते कहते हमेशा, और उनके बाबा औरतों के साथ ऐसा, मेरे आंटी गए तो परसों मेरे आंटी को बोल रहे छिनाला बाहर निकलो तुम लोग शेखों का ने सो कैसे है वो है, और मेरी भावच को बोल रहे अर गई तो दिल्ली बम्बई माया फिर क्या सो है बोल के बोल रहे हमारी भावच को बोल रहे उन लोग, और मेरे परसों भाई मैं दवाखाने गई 3,000 रुपये की गोलियाँ छुपा लेके बोल रहे अम्मा बेटे नहीं है बोल रहे, रिकॉर्डिंग भी हो लो कि 3,000 के गोलियां छुपा लेके नहीं है बोल रहा, और मैं दवाखाने को गई तो दवाखाने को नहीं गई कौन से जाके किसका ने सो किया ही बोल रहा, और मेरा 2 बार मिसकैरेज हो गया लोगों के टेंशनों से, एक गैस तो 6 महीने भी मेरे पास पेपर आए पूरे, और मेरे पास पूरा लॉकडाउन के टाइम में 3 महीने प्रेगनेंट थी, उन लोगों के टेंशनों में मेरा मिसकैरेज हो गया, तो भी वो कहते मैं डॉक्टरों को पैसे खिला के फेल बनाई बोल रही, मेरा जो मैं बाहर जाके जो कमाई उनकी बहन की डिलीवरी करा लिए और उनके भाई की शादी कर लिए, मेरी शादी हो के 15 दिन ना हो मेरा सोना बेच दिए लगा, और मेरे घर वाले 6 तोले सोना दिए थे, नई शैन गाड़ी दिए थे, मेरे को माँ बाप नहीं है कोई भी नहीं है, मेरा एक भाई है वो भी दीवाना है, मेरे को पूरा कानून से हक हो ना, क्योंकि मैं अकेली औरत बच्ची हूँ, इन लोग मेरे साथ बहुत बिहेव करे, और वो आदमी इतनी बात को मेरी इतनी गलती को इतने बड़े बड़े और इतने गलत तोहमता लगाता, मैं ऑटो वालों के साथ सो के बच्चे पैदा कर लूँ कहते वो आदमी बोल रहा मेरे को, और इन आके बोलते कौन से धगड़ के साथ गई, कौन सा धगड़ ला के छोड़ के गया, मेरी भावज भी अगर छोड़ के गई ना 10:30 को कौन से नए धगड़ के साथ आ गई बोल के ऐसा पूछता, और उनके बाबा बोल रहे मैं 100 के साथ सोई बोल रहे ना, मेरे 10 शादियाँ हो गए कहते मैं 10 शादियों के आदमियों के साथ ही लोगा, मेरे को बताना मैं कौन से 10 आदमियों के साथ ही। क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी अर्श हेयर ऑयल
एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल डैंड्रफ हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल। जहां दूसरे इलाज रहे बेअसर, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल, बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल। अवेलेबल एट अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। याद रखें, स्किन और हेयर प्रॉब्लम का इलाज अल अर्श एलर्जी क्रीम एंड अर्श हेयर ऑयल एक बार जरूर इस्तेमाल करें। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।